हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए यह दो कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ और यह बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसको किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे इसका शॉल बनाएं, कार्डिगन बनाएं, बच्चों की जैकेट्स बनाएं, स्वेटर बनाएं, हर एक चीज़ में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ओसवाल का बेबी वूल लिया है और दो कलर ये लिए हैं, ये मैंने येलो और ये ग्रीन। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें ये चैन स्टिच कर ली है और ये डबल क्रोशे कर लिए हैं। इसमें मल्टीपल लेने का कोई रोल नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कुछ बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चैन स्टिच डाल लीजिए और ये डबल क्रोशे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, टू चैन स्टिच कर ली मैंने यहाँ पर और इसमें, अब इसको स्किप करेंगे यहाँ पर, एक में ये हो गया और नेक्स्ट को स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए ऊपर हम चैन बनाएंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर चैन बनाएंगे, यहाँ पे स्किप और नेक्स्ट में डबल क्रोशे। ऊपर चैन बनाएंगे, नीचे एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशे। चैन ऊपर, नीचे स्किप और यहाँ पर डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे तो इसके साथ ही हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर नोट लगा देंगे हम। हमें एक कलर से दो ही राउंड करने हैं बस। देखिए, इसको हम इसके साथ ही ऊपर ऐसे इसकी एक चैन बना लेंगे, चैन बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, और अब ये ओनली येलो से बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और ये चैन थी ना हमारी यहाँ पर, ये ऐसे जो छोटा हुआ था, इसे नीचे से ऐसे लेकर, यहाँ से नीचे से ऐसे लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे, पीछे से लाकर डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, और जो हमारा डबल क्रोशे था इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिएगा, इसमें यही ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने चैन बनाई थी ऊपर स्किप करके, और तो यहाँ से हम इसको लेकर ऐसे पीछे से लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और जो डबल क्रोशे है उसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, नीचे से लाकर ऐसे, यहाँ से निकाल कर ऐसे, डबल क्रोशे, और जहां पर हमारा डबल क्रोशे है यहां पर हम सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी सेकंड वाली चैन थी, थ्री बनाई थी ना हमने, तो इसमें हम इसको ऐसे निकाल के यहां पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे, पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम थ्री चैन बनाएंगे, थ्री। ठीक, देखिए जहाँ पे ये हमारा डबल क्रोशे है यहाँ पर हम ऊपर चैन बनाएंगे और स्किप कर देंगे। ठीक है, और जो ये सिंगल क्रोशे है यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे स्किप करेंगे और जो यहाँ पे सिंगल क्रोशे है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ऊपर चैन बनाएंगे, नीचे स्किप और यहाँ पर डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए, अब हमें यहाँ पर नीचे वाला थ्रेड लेना है, तो हम इसके साथ में इसको लेकर चैन बना लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे और येलो वाले को छोड़ देंगे और फिर इसको हम चैन बना लेंगे इसे, ठीक, और इसको पलट लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे के ऊपर, ठीक है, और इसके नीचे से लेते हुए यहाँ से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, बस यही इसमें ध्यान रखना, डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे और जहाँ पे हमने स्किप करा था वहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना। देखिएगा इसी तरीके से करना, मैं इसके कुछ पैटर्न्स बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा यह पैटर्न बनकर तैयार हो गया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।